हे गाइस, तो चलते हैं आज पहले टॉपिक की तरफ। आज बात करेंगे एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, उसके नीचे लिखा था कि वो अभी कैप्शन में नहीं, कमेंट में नीचे लिखा था कि वो अभी रिया चक्रवर्ती को रोस्ट करने वाले अपने वीडियो में। दो तीन दिन में मतलब आ ही जाएगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। रिया चक्रवर्ती एक दो दिन में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तो मतलब समझ सकते हो अभी उनके आने वाले वीडियो में रिया चक्रवर्ती को रोस्ट करने वाले, क्योंकि उनके ऊपर भी अभी केस हुआ था कुछ दिन पहले की बातें। मैंने दिखाया रहे हो कुछ वीडियो पहले, पुलिस केस किया था किसी ने उनके ऊपर, और भी कुछ कुछ रोस्टर है उन पर केस किया था। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरह, अभी बात करेंगे कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी को कॉपीराइट का स्ट्राइक आया है, उनका जो न्यू वीडियो आता है अभी रिसेंटली, तो उसके वीडियो के नीचे आप लोग देख सकते हो कि कॉपीराइट का स्ट्राइक आया। मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे उनको कॉपीराइट का स्ट्राइक मारा। तो मतलब इसका जो भी पैसा आएगा, वो जो स्केचर जो मतलब सॉन्ग बनाया था, उनको मिलने वाला है। तो कैरी मिनाटी को उनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे CSK टीम के बारे में। तो चेन्नई का जो IPL टीम है, चेन्नई सुपर किंग, तो उसमें जो हरभजन पाजी जो खेलने वाले थे, तो ये साल वो नहीं खेलने वाले IPL, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न, पर्सनल रीज़न, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट करके बताया कि वो अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना सही समझेगा, ऐसे टाइम पे बाहर जाना वो सही नहीं समझेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। डियर फ्रेंड्स, आई विल नॉट बिल प्ले IPL दिस ईयर ड्यू टू पर्सनल रीजन, दिस आर डिफिकल्ट टाइम एंड आई वुड एक्सपेक्ट सम प्राइवेसी एज आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। CSK मैनेजमेंट हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड आई विश देम अ ग्रेट IPL, स्टे सेफ एंड जय हिंद। फिर उसके नीचे चेन्नई सुपर किंग ने भी ट्वीट किया था, तो मैं दिखा था आपको। स्टे स्ट्रॉन्ग, पुल लिवरली, विल मिस यू इन येलो। तो आप लोगों को क्या लगता है इस ट्वीट के बाद में कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे फौजी गेम के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि पबजी बैन हुआ, उसके बाद में फौजी गेम लॉन्च होने वाला है इंडिया में बहुत ही जल्दी, तो उसके बारे में थोड़ा बताने वाला आप लोगों को डिटेल में। अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं इसको जल्दी, डेट भी मैं बताने वाला आपको, लेकिन डेट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। तो फौजी गेम को लेके डेट अभी तक आई नहीं है कोई भी वेबसाइट पे, तो डेट मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या लास्ट मंथ पर मतलब आने वाला है ये गेम। तो इस गेम को लेके कोई भी अगर अपडेट आएगा तो मैं बताते रहूँगा आप लोगों को। तो अभी चलते दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे यशराज मुखर्जी के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि यशराज मुखर्जी ने जब अपना रसोड़े में मीम क्रिएट किया था, तो उसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए थे, उनके फॉलोवर्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद में तो उनको बिग बॉस 14 सीज़न के लिए भी ऑफ़र आया था, तो उनके तरफ से तो कोई हाँ ना कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो उन्हें बोला कि मैं तो अपना जो म्यूज़िक का है करियर में उसी में बनाना चाहता हूँ, मैं बिग बॉस 14 में नहीं जाऊँगा। तो बिग बॉस 14 में अभी नहीं जाने वाले, क्योंकि वो अभी खुद के सेल्फ को म्यूजिशियन बहुत ही खुश मानते हैं, उसमें वो इन्जॉय कर रहे, तो वो अभी बिग बॉस के 14 में नहीं जाने वाले। तो अगर जिसको भी पढ़ना रहेगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। तो अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरह, अभी बात करेंगे अमित बड़ाना के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि अमित बड़ाना हर साल की तरह इस साल भी अपने बर्थडे पर वीडियो निकाले, वो 3 साल से अपने बर्थडे पर वीडियो निकाल रहे। तो उनने कल वो वीडियो निकाला था, तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा था उस वीडियो को। तो वीडियो का जो व्यूज़ था वो 10,000 के आसपास ही रुक गया था, फिर बाद में 2 घंटे में 2 मिलियन व्यू पार भी कर गया था, लेकिन उनका व्यूज़ फ्रीज़ हो गया था। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो 3.5K व्यूज़ ही दिखा रहे हैं। तो मतलब ऐसा होता है जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनका व्यूज़ होता है फटाफट आता है तो फ्रीज़ हो जाता है, तो ऐसे ही इनके साथ भी होता है, फ्रीज़ हो गया था इनका व्यूज़। तो अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, अभी बात करेंगे दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो आप लोग को पता है कि दिलजीत दोसांझ का नया सॉन्ग आया था बॉर्न टू शाइन, तो उसमें ऐसा हो गया था लास्ट जो सीन था उसमें ऐसा एक लड़का आता है और अपना बैक टी शर्ट दिखाता है, उसमें विनोद लिखा रहता है। तो आप लोग को पता है कि विनोद कितना ट्रेंड कर रहा था, तो इसको देख के स्ले पॉइंट ने भी अपने स्टोरी पे रिएक्ट किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। दिलजीत सर का नया गाना सुन रहा था और उसमें एंड में विनोद यहाँ भी, इन्होंने अपना ही मर्ज बना लिया। ये क्या बोल रहे हो कि दिलजीत सर का विनोद के साथ कोलैब हो गया और हमारा नहीं हुआ? नहीं है वो कोलैब यार, कोलैब नहीं है वो। तो यार बस आज के टॉपिक में इतने, इसी मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।